सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आखिर मरते हुए व्यक्ति के आखिरी शब्द क्या होते हैं? जब कोई अपनी आखिरी दिनों की ओर पहुंचता है तो किस तरह की बातें करने लगता है? आपको 5 पॉइंट से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा किसको बुलाते हैं? कुछ लोग शांति में ही मर जाते हैं, खासकर अगर वो डेमेंशिया या फिर अल्जाइमर जैसी बीमारी के शिकार हो, क्योंकि कई साल पहले ही उनकी भाषा की ताकत खत्म हो चुकी होती है। जो लोग बोल पाते हैं वो भी अटकने लगते हैं। एक डॉक्टर ने कहा, मरते समय लोग अक्सर कहते हैं ओ फक। कई बार वो बीवी, पति या फिर बच्चों का नाम लेते हैं। ज्यादातर लोग आखिरी सांस के साथ मॉम या फिर मामा जैसे शब्द बोलते हैं। एक शख्स अपनी मरती हुई दादी के पास बैठे थे। जब उन्होंने उनका नाम लिया तो उनकी बंद आंखें खुली, उन्होंने उनकी ओर देखा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरा पॉइंट, क्या रह जाती है बोलने की ताकत? हालांकि साइंस साहित्य में कहीं ये उल्लेख नहीं किया गया है कि आखिरी शब्द क्या होते हैं या फिर आखिरी मिलन में क्या होता है, ज्यादातर यही कहा गया है कि आखिरी समय में चेतना खत्म हो जाती है, कुछ बोलने की ताकत नहीं रहती है, शख्स अपने लोगों से कटने लगता है। मरते हुए शख्स की भाषा क्या होती है, इस बारे में वाकई ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। तीसरा पॉइंट, उलझी हुई बातें करने लगते हैं मरने वाले। जब लीजा स्मार्ट के पिता फेलिक्स का निधन हो गया तो बेटी के पास ढेर सारे सवाल थे जो उसने पिता को कहते हुए सुना था। इसके बाद उन्होंने ऐसे तमाम लोगों से मिलना और काम करना शुरू किया जिनके परिवार के लोगों के पास इसके जवाब थे। उनके परिजनों के आखिरी शब्द क्या थे, इसी वजह से उनकी मुलाकात ट्रेमिक जूनियर से हुई, जिन्होंने 1975 में प्रकाशित अपनी बेस्ट सेलिंग बुक लाइफ आफ्टर लाइफ। उन्होंने स्मार्ट के काम में उनकी मदद की। कॉमन पैटर्न जो स्मार्ट ने नोट किया था कि उनके पिता क्या बोलने लगे थे, मुझे वहाँ खत्म होना है, मुझे खत्म हो जाना है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी का दिया बुझने वाला है, और भी इसी तरह की बातें। वो बार बार अक्सर कुछ शब्द और निरर्थक बातें कहते रहते थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन उन सारी बातों और शब्दों का मतलब मृत्यु से संघर्ष करने जैसा होता है। चौथा पॉइंट, यात्रा की बात क्यों करने लगते हैं? स्मार्ट कहती है, अगर आप अचानक कमरे में आए तो सुनेंगे, आपके प्रिय ने कहा, ओ मेरे बिस्तर के सामने बॉक्सिंग चैंपियन खड़ा है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि बोलने वाले शख्स होश में नहीं है, लेकिन अगर आप वही बात बार बार सुनेंगे तो लगेगा, अरे ये बार बार यही बात क्यों कह रहे हैं। अपनी किताब फाइनल गिफ्ट्स में नर्स कैलनन और कैले ने नोट किया, मरने वाला अक्सर किसी यात्रा की बात कहकर ये जताता रहता है कि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। उन्होंने किताब में एक 17 साल की किशोरी का उदाहरण दिया जो कैंसर से ग्रस्त थी। वो बार बार कोई नक्शा नहीं मिलने की बात कहकर व्याकुल हो रही थी। अगर मैं नक्शा पा लेती तो घर जा सकती थी, नक्शा कहाँ है, मैं घर जाना चाहती। और अब पांचवा पॉइंट, आखिरी शब्द पर रिसर्च अब भी चुनौती। हालांकि कहना चाहिए कि मरने के दौरान आमतौर पर जिस भाषा या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे समझना आसान नहीं। हालांकि अस्पतालों में लंबी बीमारी से जो लोग मरते हैं उनके आखिरी शब्दों और गतिविधियों का रिकॉर्ड कर पाना ज्यादा संभव हो रहा है। हालांकि अध्ययन के बाद भी आखिरी शब्द अभी भी एक चुनौती बने हुए हैं। अब भी आखिरी समय में कोई नहीं चाहता कि मरणासन के बिस्तर के आसपास कोई वैज्ञानिक मौजूद रहे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।